उत्तराखंड के अलग अलग गांवों से हर वर्ग की लड़कियां यहां आती हैं, पढ़ती हैं, सिलाई कढ़ाई कताई स्वावलंबन जैसे कामों को सीखती हैं। महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा उदाहरण दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है, और ख़ास बात यह है कि यह पिछले 60 साल से जारी है। गरीब घर की लड़कियों को अवसर मिलता है, दलित वर्ग से भी लड़कियां आश्रम में पढ़ाई करती हैं, रहती हैं। लक्ष्मी आश्रम से निकली हुई बहुत सी लड़कियां आज देश भर में समाज के क्षेत्र में सार्वजनिक जीवन में काम कर रही हैं। मेरा नाम आरती है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ और मेरा घर गागरीगोल है और मेरे को यहाँ आश्रम में रहते हुए 5 साल हो गए हैं। यहाँ कताई बुनाई के ट्रेनिंग के बाद मैंने बालवाड़ी का काम शुरू किया धनिया क्षेत्र में, धौला देवी ब्लॉक अल्मोड़ा जिला अल्मोड़े में, और वहाँ बालवाड़ी चलाते हुए क्योंकि वहाँ लड़कियों की शिक्षा नहीं थी, यहाँ लड़कियों को लड़कों को तो कहीं भी पढ़ा लेते थे पर लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। कब आश्रम की स्थापना कब हुई? 1946 में हुई। अच्छा। सरला बहन जिनका नाम मिस कैथरीन हिलीमेन था, जो बापूजी से प्रभावित होकर भारतवर्ष में आई थी 1932 में, तो फिर यहाँ की पहाड़ों के क्षेत्र में घूमी, गांव-गांव घूमी, तो उस समय उनको सारे गाँव को देख करके यहाँ की परिस्थिति देख के उनको ऐसा लगा कि लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, केवल ग्वाला रखते हैं, जबकि लड़की ही यहाँ की रीढ़ की हड्डी है। कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? 2 साल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमारी दीक्षा पांडे है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। घर की याद आती है? नहीं आती है। पढ़ाई करने के बाद बच्चे बाहर चले जाते हैं आश्रम में भी कुछ काम करते हैं? कोई लोग तो आश्रम में भी रहते हैं, कोई फिर नर्स की बाहर जाना चाहते हैं नर्स की ट्रेनिंग करते हैं आश्रम द्वारा, और उसके बाद घर उनके माँ बाप घर बुलाते हैं शादी करना चाहते हैं, फिर अपने घर जाके शादी करते हैं। लक्ष्मी आश्रम कौसानी का उत्तराखंड की महिलाओं के सशक्तिकरण व उनके स्वावलंबन के लिए एक अच्छी पहल है। उत्तराखंड कौसानी से विपिन जोशी, इंडिया अनहर्ट के लिए।